वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, ये जैन धर्म की एक अपनी समझ लो टू द पॉइंट फिलॉसफी बहुत अलग है कि सारी दुनिया में आपको ज्ञान के संबंध में इतनी क्लियरिटी कि भाई हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान अथवा हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान किस आधार पे है, तो वो कहते उसका आधार तुम्हारा ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान का आधार श्रद्धा है। ख्याल में ना, ज्ञान का आधार तो ज्ञान होना चाहिए ना, वो कहते नहीं ज्ञान का आधार ज्ञान नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है हम उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। वो ये दावा करे, और बहुत से लोग दावा करते हैं छह उपशम के आधार पर कि साहब हम तो सब वस्तु स्वरूप बराबर जानते हैं, हम तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही जानते हैं। तो भी आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जानने की कीमत तब है तुम्हारी श्रद्धा क्या है बताओ। छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, आठ कर्म हैं, नौ पदार्थ हैं, दस धर्म हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात तुमने जान ली। और ये बात परम सत्य है, आत्मा शरीर नहीं है, ये बात तुमने जान ली, ये परम सत्य है, फिर भी हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। किसा हमने सही जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, फिर भी हमारा ज्ञान मिथ्या क्यों है? वो कहते ऐसा श्रद्धान नहीं है, और ऐसा श्रद्धान नहीं है तब तक इस ज्ञान की वैल्यू दो कौड़ी की नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि हम श्रद्धा को सुधारे बिना इस ज्ञान में मेहनत करते रहते हैं, वो ज्ञान की मेहनत कोई काम नहीं आती। हाँ, ऐसे ही दूसरे तरह के लोग हैं कि वे ज्ञान पे भी मेहनत नहीं करते, वे क्रिया पे मेहनत करते हैं, वे क्रिया सुधारने में लगी रहती है। अब वो आचार्य कहते हैं कि भाई जैसे नींव के बिना जमीन आधार नहीं हो तो महल कैसे खड़ा होगा, हो सकता है क्या? अरे कोई घर पर घर बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हुए बिना तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा चारित्र कभी निर्मल हो ही नहीं सकता। और श्रद्धा की हमें खबर नहीं है, श्रद्धा बिल्कुल ऐसी ही है जैसे महल खड़ा है, मकान खड़ा है, तो नींव तो अंदर चली जाती है, वो नींव तो दिखाई देती नहीं, महल ऊपर ऊपर दिखाई देता है, तो सब महल कोई देखते रहते हैं, लेकिन उसका आधार तो वो उसकी जड़ वो नींव है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही धर्म का आधार श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा ही सही नहीं है तो आपका ज्ञान भी सही नहीं है और आपका चारित्र भी सही नहीं है।